तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कैजोलिन शैम्पू के बारे में। तो इसका इस्तेमाल जो किया जाता है वह फंगल इन्फेक्शन यानी कि डैंड्रफ में, या जैसे कि आपको सेबरोइक डर्मेटाइटिस व आपके सर में, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कब डॉक्टर आपको इसे रिकमेंड करते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से हम चार पॉइंट पे बात करने वाले हैं। पहला जो है कब इसका इस्तेमाल करना है, दूसरा कैसे वर्क करता है, तीसरा प्रिकॉशन, चौथा साइड इफेक्ट। तो हम पहला पॉइंट छोड़ के दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट होते हैं। पूरी जानकारी रखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें, और फ्यूचर में अपडेटेड रहना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरी पॉइंट है कैसे वर्क करता है। तो इसका जो मॉलिक्यूल है वह बिलोंग करते हैं जैसे एंटी फंगल ग्रुप से, जैसे किटोकोनाजोल बिलोंग करता है एंटी फंगल ग्रुप से, और जिंक पैरियाथोन बिलोंग करता है एंटीबैक्टीरियल प्लस एंटी फंगल, और एस्टरजन के रूप में भी वह वर्क करता है। तो इस तरह से इसका मॉलिक्यूल वर्क करता है। ये क्या करते हैं कि जो फंगाई रहता है उसके एरिस्ट्रॉल, जो मतलब जिसके वजह से वह जीवित रहता है, उसी सिंथेसिस को ब्लॉक कर देते हैं, जिसके वजह से वह फंगाई मर जाता है और आपका इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। तो काफ़ी अच्छा आपको इसका रिजल्ट मिलता है। मतलब अगर हम बात करें कि इसे कौन सी कंपनी बना रही है, तो इसको जो बनाती है वह लिनोक्लोन फार्मास्यूटिकल है, और इसके अंदर जो मॉलिक्यूल ऐड किया गया वह कीटोकोनाजोल 2% है, जिंक पेरियोथोन 1% है। इसका पैक है 100 ml का, कॉस्ट है 290 रुपया। तो हम पॉइंट थ्री पे बात करने वाले हैं कि प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए आपको। तो इसे इस्तेमाल करते समय आपको अपनी आंखों की सुरक्षा देखना पड़ेगा, और इसे जब आप लगाते हैं तो आप जैसे अगर आपके आँख के बाजू में पहुंचता है आ जाता है, तो आप उसे तुरंत ही पानी से साफ कर ले। तो जैसे कि हम बात करने वाले हैं साइड इफेक्ट पॉइंट फोर के बारे में। तो इसका जो आपको साइड इफेक्ट देखने को आता है, जैसे कि आपके स्किन में जलन महसूस हो सकती है, इरिटेशन, इचिंग और रेडनेस देखने को मिल सकता है। तो अगर हम इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करें, तो इसे वीक में आपको 3 दिन लगाना है, एक दिन छोड़ के एक दिन, यानी कि एक साथ में 3 दिन नहीं लगाना है, वीक में आपको 3 दिन लगाना है और एक दिन गैप करके। तो जिस तरह से आपको एप्लीकेशन करना है, आपके सर में इसे लेके लगाना है, और एक आपको 2 मिनट तक मसाज करना है आपके बालों में, स्काल्प में, और उसको एक 3 मिनट तक छोड़ देना है, यानी टोटल 5 मिनट तक इसको अपने सर पे रखना है। उसके बाद आपको वॉश आउट कर लेना है। तो मोस्टली जो बहुत सारे जो शैम्पू रहते हैं उसमें जो कि कंडीशनर ऐड किया रहते हैं, लेकिन इसमें कंडीशनर नहीं है। तो जैसे आप इसको करते हैं तो उसके बाद आप कंडीशनर भी यूज़ करें, नहीं तो आपका हेयर थोड़ा सा टैंकल करेगा, मतलब फंसेगा, लट्या जाएगा, या जैसे थोड़ा सा अलग सा फील होगा आपको। तो अगर आप कंडीशनर यूज़ करते हैं तो बेस्ट रहेगा इसके यूज़ करने के बाद, यानी आप वॉश आउट होने के बाद। तो अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर इसके बारे में आप पूछें, उसके बाद ही आप इसका इस्तेमाल करें। तो मोस्टली अवेलेबल मिल जाता है ये मेडिकल में। तो अगर हम बेस्ट प्राइस के बारे में बात करें, तो अगर आप सेम पैक में अदर कंपनी का परचेस करने जाते हैं तो उसकी जो कॉस्ट है काफ़ी हाई रहती है। अगर जैसे मैं बता दूं आपको, तो अगर आप जाते हैं केजेड प्लस लेने के लिए तो 100 ml के लिए 300 रुपये चार्जेस करते हैं, जबकि यहाँ पे 10 रुपये का आप सेविंग कर सकते हैं। और अगर आप और भी ज़्यादा सेविंग करना चाहते हैं तो AF के लोशन लीजिए, वो भी शैम्पू है, वो बहुत ही आपको 100 ml जो आपको 188 में दिखाएगा, मतलब आपको लगभग 120 रुपये का फ़र्क दिख जाएगा। तो अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो उसको परचेस करें, या जैसे कि आपको केजोलिन का शैम्पू जो 50 ग्राम वाला है उससे आप परचेस कर सकते हैं। अगर आप वो टू टू टाइम्स परचेस करते हैं तो भी आप लगभग 40 रुपये का आप सेविंग कर सकते हैं। तो अगर आप वीडियो चैनल पे पहली बार विजिट किए, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। फ्यूचर में आप अपडेटेड रहना चाहते हैं मेडिसिन से जुड़ी जानकारी से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मेडिसिन के साथ में, एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।